कार और इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूर की मौत होने के बाद आश्रितों और सहकर्मियों ने हंगामा किया। एक मजदूर की जान जाने के बाद परिजनों व मजदूरों ने बोकारो जनरल अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। मृतक के आश्रितों के लिए नियोजन व मुआवजे की मांग के साथ साथ ठेका कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। घटना के पीछे प्रबंधन के रवैये की जांच की मांग की गई। अमित माइंस एंटरप्राइजेस नामक ठेका कंपनी का काम बोकारो स्टील प्लांट में चल रहा है, जिसमें पठानु प्रताप यादव ऑपरेटर का काम करते थे। मंगलवार को बोकारो स्टील प्लांट के SMS-2 में कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर भानु प्रताप बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए। ठेका कंपनी के लोगों ने प्लांट मेडिकल ना ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया। BGH अस्पताल में डॉक्टरों ने भानु प्रताप को मृत घोषित कर दिया। ठेका कंपनियों से प्रबंधन की मिली भगत और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर जांच की मांग परिजनों ने की है। प्रबंधन की ओर से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसका खामियाजा प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को तथा उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है कि जो यादव जो ऑपरेटर था, उसका गेट पास SSD मतलब MRD डिपार्टमेंट के तहत बना है, उसका वर्क ऑर्डर कुछ अलग है, ठीक है। इसका दुर्घटना हुआ है SMS-2 में, उसका वर्क ऑर्डर दूसरा है। बेसिकली यहीं पर सबसे बड़ा अमित माइंस का गलती है। और नियम यह कहता है कि जिस वर्क ऑर्डर में गेट पास बना है, उसी वर्क ऑर्डर में मजदूरों को काम करना है। अगर MRD में वर्क ऑर्डर है, गेट पास है, तो MRD का वर्कर बगल में अगर हॉट स्ट्रिप मिल है तो वहाँ भी नहीं जा सकता है, काम नहीं कर सकता है। तीसरी बड़ी गलती इन्होंने कंपनी यह किया है कि जब प्लांट में इस तरह का घटना घटता है तो प्लांट मेडिकल हॉस्पिटल जाता है। इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं हो जो मृतक है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि उस व्यक्ति को सीधे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, जो कि प्लांट मेडिकल यूनिट में ले जाना था। ये समस्या लेके हम लोगों का यह कहना है, इसका जिम्मेदार बोकारो स्टील प्रबंधन है। अमित माइंस तो है ही 100%, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इसीलिए बोकारो स्टील प्लांट इसमें इंटरफियर करे, इसका इंक्वायरी करे। ज़्यादा से ज़्यादा गलती तो अमित माइंस किया है कि प्लांट मेडिकल नहीं ले गया है, तो प्लांट मेडिकल नहीं ले जाने के पीछे कंपनी का अपना सोच होगा, अपना सोच है कि हम फंसे नहीं। इसीलिए नियोजन के मांग को लेकर के यहाँ पर सभी जितने भी ठेकेदार दोहराई से है वहाँ पर मजदूर यहाँ बोकारो जनरल अस्पताल में आए हैं। जहाँ तक बोकारो जनरल अस्पताल की बात है, जैसे आपने पूछा, तो चूँकि बोकारो जनरल अस्पताल भी बोकारो स्टील प्लांट के तहत ही है, ठीक है, इसलिए अभी प्रबंधन से वार्ता चल रही है। हम लोग यहाँ बुलाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो चाहे तो इसमें इतना बड़ा अगर नौकरी का मुआवजा बोकारो स्टील प्लांट में अगर प्लांट मेडिकल में दिखाया रहता तो इनके आश्रितों को नियोजन मिलना ही मिलना था, ठीक है, क्योंकि प्लांट परिसर में घटना हुआ है। अब BSL यह कह रही है कि भाई आप मानते हैं कि कंपनी की लापरवाही है 100% 110% जो कहिए ना 1000%। इन लोगों को पता है, अभी कंपनी का आदमी जो गेट पास बनाता है उनसे हमारी बात हो रही थी। हम बोले जब गेट पास सेक्शन के आप इंचार्ज हैं तो आपको इतना तरीका आपको पता नहीं है कि एक वर्क ऑर्डर से दूसरे वर्क ऑर्डर में काम नहीं कर। क्या घटना हुई है और कैसे हुई है और किसकी लापरवाही, बताइए थोड़ा। कंपनी की लापरवाही से हुई है। अमित माइंस में पापा काम करते थे और वहाँ पे गिर गए थे, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। और लास्ट को ना मतलब गाड़ी से अपनी गाड़ी से कंपनी का जो अंदर में हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाना चाहिए था, वहाँ पे नहीं लेके गए, इसमें कंपनी के साजिश है। और उसको गाड़ी से कंपनी से बाहर दूसरा हॉस्पिटल में बोले कि जाने के लिए, वहाँ पर से फिर गए तो फिर वहाँ पर से रिफ़र कर दिया मस्कान हॉस्पिटल चास वाला। और फिर चास तक जाते जाते उनका देहांत हो गया। फिर जो ड्राइवर था वो लाश को लेकर के मतलब यहाँ BGH हॉस्पिटल में आ गया। और फिर उसके बाद मेरी माता श्री को
मतलब धोखा में रखा गया, मतलब बताया नहीं गया कि उनका देहांत हो गया है। हम आए फिर हम देखे कि हमको बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है, फिर पता चला सब चीज़। आपके पिताजी कहाँ काम करते थे, प्लांट में कहाँ पे? अमित माइंस। अमित माइंस कहाँ काम करती है? एसएमएस टू बोकारो स्टील। पता मैं कहूँगा तो कैसे लाए फोटो सर? करीब मैं 4:30-5 बजे का घटना है, ठीक है, और निकला करीब मैं 5:30-6 बजे के पास निकला है वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग बोले पहले जैसे सर इसको प्लान मेडिकल ले जाइए, लेकिन हम लोग को बात का कोई एंसन नहीं किया है। वो बोलता नहीं, सीधे हम लोग को ऑपरेटिव लेकर चलते हैं। किनको बोले? पापू सिंह बोल के है वो सुपरवाइजर, उसी को बोला गया था। साइट इंचार्ज सुपरवाइजर वही है अभी वहाँ का, एसएमएस टू का। तो फिर वो लोग लेके आया गया, तो फिर हम लोग वहाँ से साइकिल से आ रहे हैं। तो जैसे नया मोड़ पहुँचे तो हम लोग फोन आ गया जब भाई इस तरह घटना हो गया, तो सबको फोन लगाया जिसको जिसको नंबर था जब भाई उसको। क्या था वहाँ? गिर गया था गिर गया था सर, ठीक है, वहाँ गिर गया था। वहाँ से उठा कर ला के वो बेड है, बेड में सुताया, उसका बाद हाँ उस समय जीवित थे। फिर वहाँ से उठा कर गाड़ी में बैठाया, लोड कर दिया, वो लोग लेके आ गया। वो लोग बार बार बोलते गया जब प्लांट मेडिकल ले चले, प्लांट मेडिकल लेके चले, सुने नहीं रहा। साइट इंचार्ज भी नहीं सुन रहा, ना सुपरवाइजर सुन रहा। तो गिरे कैसे थे, क्या कारण था, कैसे गिर गए? ये चक्कर दिया है कि का दिया नहीं कर सकता है, मशीन से उतरे और तुरंत गिर गई। कहाँ पर काम चल रहा था? एसएमएस टू में पिट कप। सेफ्टी वगैरह सब था? मशीन के ऊपर तो सेफ्टी नहीं रहता सर, मशीन चलाता चला था, ठीक है, मशीन चलाते हैं ना। आपका क्या नाम है? देवन कुंभक। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कार्स। यू हैव नेवर नोन। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.